अपने दांत मांजने चाहिए। दांत मांजने से पहले हमें एक ब्रश लेना चाहिए, हमें अपने ब्रश को धोना चाहिए। ब्रश धो के हमें अपने ब्रश पर कोलगेट लेना चाहिए। कोलगेट लेके हमें अपने दांत मांजने चाहिए। दांत मांजने का तरीका, हमें रोज नहाना चाहिए, इससे हमारा शरीर साफ रहेगा। और हमें योगा भी करनी चाहिए, और इससे अलावा हमें अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए, इससे हमारा मन स्वस्थ रहेगा। यह तो हुई शारीरिक स्वस्थता की बात, अब हम करते हैं प्लास्टिक प्रयोग से होने वाली बीमारियां। प्लास्टिक हमें यूज कर कहीं नहीं फेंकना चाहिए, पहली बात की यूज नहीं करना चाहिए, यूज कर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। और इससे ये जानवर भी खा लेते हैं इसको, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। प्लास्टिक प्रयोग से होने वाली बीमारियां, लीवर का बढ़ना, पेट में दर्द होना, मुंह में छाले होना, बच्चों के शरीर में ऊतकों का सड़ होना, उल्टी आना, सिर चकराना, चक्कर आना आदि। गीला कचरा हमें हरे डस्टबिन में डालना चाहिए, सूखा कचरा हमें नीले डस्टबिन में डालना चाहिए, मेटल कचरा हमें पीले कचरे डस्टबिन में डालना चाहिए, पुनर्वा कचरा हमें ग्रे डस्टबिन में डालना चाहिए। प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। मरती गाय करे पुकार, प्लास्टिक का करो बहिष्कार। सभी शहर के लोग अपने आसपास की हवाओं को साफ रखें तो हमारी प्रकृति साफ और स्वच्छ रहेगी। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, इससे हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहेंगे। वायु प्रदूषण को बंद करना चाहिए, पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बाकी प्लास्टिक का कोई भी सामान इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हमें कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गीले कचरे के लिए हरे डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए, और सूखे कचरे के लिए हमें नीले डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर के काटने से होने वाले रोग, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। मक्खी घोड़े पे बैठती है, अपने पंख और पैरों पर कीटाणु और गंदगी लगा लाती है। हमारी खाने की चीज़ों पर बैठती है, उस पर कीटाणु और गंदी चीज़ें छोड़ जाती है। उसे उस खाने को हम खाते हैं और खाना हमारे पेट में जाता है, पेट में रोग हो सकते हैं। मक्खी से फैलने वाले रोग, भूख ना लगना, कालाजार, पीलिया, जिगर का बहना, पीलापन, हैजा, दुर्बलता।